आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एडमिट कार्ड हैं, आपकी जो जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो इंतजार की घड़ियाँ समाप्त हो चुकी हैं। आपके जो एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं एक्सीलेंस मॉडल स्कूल एंड सीएम राइज स्कूल इंट्रेंस स्कूल, तो इन सभी के जो है ना एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो आज मैं एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन निकालना सिखाऊंगा। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इस लिंक पे है ना अपना एडमिट कार्ड चेक कर पाएंगे। यदि इससे संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप है ना मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आइए बताते हैं किस तरह से हम अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर दे रखा है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर है ना एप्लीकेशन नंबर फिल कर लेना है। एप्लीकेशन नंबर फिल करते ही आपका नीचे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना है। मैंने एप्लीकेशन जैसा कि आप देख रहे हैं एप्लीकेशन नंबर फिल कर लिया है। अभी यहाँ डेट ऑफ बर्थ को है ना फिल करना है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को फिल किए देता हूँ। तो उसके बाद हमें है ना कैप्चा कोड को फिल करना रहता है, तो इसको बड़े ही अच्छे से फिल कीजिएगा जिससे कि आप है ना अच्छे से एक ही बार में आपका एडमिट कार्ड निकल के आ पाए, ठीक है। तो अब इसको हम सर्च करते हैं, तो इस तरह से आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये जो आपका एडमिट कार्ड यहाँ दिख रहा है, तो इस तरह से कुछ एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये नाम दे रखा है और यहाँ पे ये रोल नंबर दे रखा है, इस तरह का रोल नंबर आपको भी दिखेगा। और यहाँ पे जो है ना परीक्षा केंद्र दे रखा है आपका, ये परीक्षा केंद्र है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कॉटजीन नंबर 1, ऐसे करके यहाँ परीक्षा केंद्र होगा और किसके लिए अप्लाई किया है वो भी लिखा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो टाइमिंग है वो अभी है ना 11:45 से 11:15 से है ना 1:15 तक कर दिया गया है। ये जो आपका 2 घंटे का है ना रिपोर्टिंग टाइम आपका 10:15 पर, आपको 10:15 पर वहाँ पर पहुँच जाना है, ठीक है। तो ये 3 अप्रैल को आपका जो है ना एग्ज़ाम डेट है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे 3 अप्रैल 2022। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रखी हैं, और मैं डाउनलोड किए गए फ़ोटो युक्त प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश पा सकता है। परीक्षार्थी को है ना आपको 10:15 पर पहुँचना होगा स्कूल केंद्र पर, और संबंधित कोई समस्या होने पर प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही आपको प्राचार्य खंड उत्कृष्ट विद्यालय से है ना भोपाल इस पे संपर्क करना होगा। और फिर है ना यहाँ पे आपको OMR शीट दिखा देता हूँ, इस तरह का कुछ OMR शीट जो है ना आपको मिल जाएगा वहाँ पे, इस तरह का डमी OMR शीट आप देख पा रहे होंगे जो आपको एक्सीलेंस स्कूल एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में मिलने वाला है। देख पा रहे हैं आप, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनको आपको फिल करना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैंने बोला था जब भी एडमिट कार्ड निकल के आएंगे तो मैं आपको एडमिट कार्ड निकाल के ज़रूर बताऊँगा। और आप है ना एडमिट कार्ड निकाल अगर समस्या आती है एडमिट कार्ड निकालने में तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका एडमिट कार्ड निकाल के दे दूँगा। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।